अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल्लाह, सेवनिश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। निज़ामिया यूनानी तिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने NRC, CAA और NPR के खिलाफ एहतजाज किया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। पढ़ा तो मुझे सिख होने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। जो सिख भाई हमारे यहाँ पे भी सो रहे हैं साहब, क्या वो मुसलमान नहीं है, मेरी नज़रों में तो नहीं है। अगर आज भी यहाँ पे इतने कॉलेज में इतने परसेंट स्टूडेंट हैं जिनमें इंसानी नहीं है, जो बैठे हुए हैं साइड, जिनको मतलब नहीं है, खाया पिया अपने घर में चले गए, पर साहब आज बारी आप इन लोगों की है, कल को बारी उनकी भी आएगी। पहले लड़े थे फिरंगियों से, अब लड़ेंगे संगियों से, ना डरे थे फिरंगियों से, अब लड़ेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सतपाल सिंह खालसा, यूथ वेलफेयर तेलंगाना वाइस प्रेसिडेंट और यूनाइटेड सिख पार्टी से। मेरा आज यहाँ पे आने का एक ही कारण था कि जिस तरह से आपको मालूम है कि पिछले 2 महीने से ये जुल्म पेशा हुकूमत है जो एक काला बिल लेके आई थी। कई लोगों को लगता है कि ये मुस्लिम भाइयों का ही सिर्फ मैटर है, वो सिर्फ मुस्लिम भाइयों का मैटर नहीं है, वो हर एक इंसानियत पसंद जो एक जागती जमीर वाले हैं सबका ये मैटर है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होने वाला है तो SC और ST पे इसका जो भी होगा असर उस पर होगा सबसे ज़्यादा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा मैं आपके सभी यहाँ के सिख, हिंदू सिख मुस्लिम भाइयों, खास करके मैं सिख भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पूरा पंजाब कम्युनिटी, जितने पूरे पंजाब के हैं, पूरा इस बिल के एंटी में, विरोध में खड़े हुए हैं और पूरी इस मुस्लिम आवाम के साथ खड़े हुए हैं। तो आपका भी रिक्वेस्ट, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप प्लीज़ यहाँ के सिख जितने भी हैं वो हमारे यहाँ की माँ बहनें हमारे भाइयों के साथ आगे खड़े हैं और इस जो जुल्म पेशा हुकूमत है तो उनका एक हम डट के विरोध करें और इस हुकूमत को घेरने में हमारा अहम योगदान रहेगा, जितने भी हमारे इंसानियत पसंद लोग हैं। और सेकंड है, जो कुछ दिन पहले एक दिल्ली में एक दंगे, नहीं मैं उसको दंगे नहीं बोलूँगा, एक सरकारी कत्लेआम किया गया है, जो एक तरफा कत्लेआम किया गया है जिसमें एक मुस्लिम भाइयों को टारगेट करके चुन चुन के मारा गया है, जो तो आवाम यहाँ के मीडिया, गोदी मीडिया बोल रही है कि 40 से ज़्यादा मरे हैं, बट वो 40 से ज़्यादा नहीं मरे, जितने मरे हैं उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती और जितनी हमारी माँ बहनों के साथ वहाँ पर गलत हुआ उनकी भी गिनती नहीं की जा सकती। जो एक RSS के गुंडों ने वहाँ पे जो एक जुल्म किया है वो हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं है। अगर आप जुल्म कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके भगवान राम इस जुल्म से खुश होंगे, आपको मेडल देंगे, वो आपकी भूल है। उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। वो अगर ऊपर वाले की जब लाठी चलती है उसमें आवाज़ नहीं रहती, बट वो जब चलती है ना तो बड़े बड़े को हिला देती है। तो जो वहाँ पे सरकारी कत्लेआम किया गया, जिस हिसाब से वहाँ पे नस्ल कुशी की गई है मुस्लिम अवाम की, तो हमारी भी वो नस्ल कुशी 1984 में की गई थी। क्योंकि इस अवाम का एक ही मकसद है कि जो भी एक सिख मुस्लिम जितने भी SC ST वालों को, इनको टारगेट किया जाए और हमें वो पहचानना चाहिए अच्छे से कि हाँ हमारे हक में कौन है और हमारे एंटी में कौन है। और दूसरी बात, जितने भी हमारे लीडर हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चाहे वो A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H News। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H News, आपकी आवाज़।